नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता आशीष मंडलोई की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। कार्यकर्ता की पुण्यतिथि पर कई समाज सेवी नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्यालय और एक युवा शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय आशीष मंडलोई ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज सेवकों ने उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उन पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं का मुद्दा, शराब की नई शराब नीति का विरोध और कई मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही बेरोजगार युवाओं ने अपने दर्द बताते हुए संकल्प लेकर आगे की दिशा तय कर उन पर चर्चा की है। बड़ी संख्या में युवा व डूब प्रभावित पहुंचे। बड़वानी से हर्षद सोनी की रिपोर्ट। आज 12 साल हो गए नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक प्रमुख युवा साथी आशीष मंडलोई के गुजर जाने से, और वो 38वें साल 47 डिग्री टेम्परेचर में ही केवल अपने कार्यरत रहने के कारण ही चले गए। एक तो शहादत थी, और वो निस्वार्थी कार्यकर्ता, लगातार संघर्ष में जूझने वाले, दिल्ली के 3 मंत्रियों की टीम को भी जवाब देकर लाजवाब ताकत दिखाने वाले ऐसे युवा थे। उन्हें कभी न बैंक अकाउंट खोला, न कभी शादी की, लेकिन जो बर्बादी निमाड़ की नर्मदा घाटी की हो रही थी उससे चिंतित थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पहले रहते हुए बचपन में उन्होंने उसके साथ छोड़कर जात्यंधता और धर्मांधता का कड़ा विरोध करना शुरू किया, और पहाड़ पट्टी में महाराष्ट्र से लेकर अलीराजपुर तक वो कार्यरत रहे, वैसे ही निमाड़ में भी। आज युवा शिविर में आदिवासी युवा बहुत शामिल हुए हैं, निमाड़ के युवा हैं, बहनें हैं, रोजगार पर संघर्ष करने वाले युवाओं के युवा कार्यकर्ता नेता प्रमोद नामदेव जी आए हैं, किसानों के संघर्ष में लगे हुए महाराष्ट्र के जलगांव के प्रदीप पाटिल जी और साथी आए हैं, और यहाँ पानी पर रहमत भाई बोलेंगे तो स्वास्थ्य पर डॉक्टर विनोद यादव बोलेंगे। आज शराब की नीति पर जो महिलाओं ने विरोध कर ही दिया है, उसके बावजूद एक आध दिन कसरावत की शराब रोकी जाती है। अभी अभी मैंने श्री अवस्थी अबकारी विभाग के बड़वानी के प्रमुख को फिर से चेतावनी दी कि दूसरे दिन से चालू हुई है शराब, और एक शराबी जबकि कूद पड़ता है कसरावत के पुल से तो ये शराब मौत के कगार पर पूरे समाज को ढकेल रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने में होता है। तो आज हमारे सभी साथियों ने यहाँ सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जो संकल्प लेना है और आगे की दिशा तय करनी है। आज हम लोग यहाँ पर आए थे आशीष मंडलोई जी की पुण्यतिथि पर, हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता और क्रांतिकारी साथी थे, जिन्होंने लड़ाई लड़के नर्मदा के लोगों को न्याय दिलाया है। और यहाँ पर हम आए थे युवाओं साथियों से बातचीत करें कि आज रोजगार के सवाल पर यहाँ पर चर्चा हुई कि मध्य प्रदेश शासन पिछले 5 साल में कोई भी रोजगार जनरेट नहीं किए, जो भी रोजगार थे उसको ख़त्म किए। अभी रेलवे ने 72,000 नौकरियाँ ख़त्म कर दी हैं। आज व्यापम जो लोगों को रोजगार देने का माध्यम बना, भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। वर्ग 3 का पेपर लीक होता है, आज सरकार चुप है। एक भी पुलिस अधिकारी ने किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। आप देखिए जो वर्ग 3 का एग्जाम अब तो खुलेआम मीडिया ने प्रसारित किया कि किस तरीके से ये पेपर लीक हुआ, घर में बैठ के एग्जाम दिया गया। इसी तरीके से सवालों के घेरे में पुलिस भर्ती भी है, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। सेंचुरी के मजदूरों को दिन दहाड़े निकाला जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। आप मराल के मजदूरों को देखिए, तो कंपनियों के माध्यम से बेरोजगारी इस तरीके से फैल रही है। और ये बेरोजगारी के खिलाफ नौजवान ना बोले, इसलिए नशा, सस्ता नशा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। शराब के ठेके गली मोहल्ले में खोले जा रहे हैं। सरकार नई नीति लेकर आई है जिसके माध्यम से सुलभ शराब और सस्ती शराब सभी बेरोजगारों नौजवानों तक पहुँचाएगी। तो साथियों, ये हमारे नौजवानों की रीढ़ को कमजोर करने का काम है। हम बेरोजगार साथी संघर्ष करेंगे। हम भगत सिंह के साथी हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी हैं, हम संघर्ष के रास्ते पर लड़ने वाले साथी हैं। इसलिए हम विरोध करते हैं, शराब नहीं चाहिए हमें, रोजगार चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार सभी बेरोजगारों को रोजगार दे। धन्यवाद।